पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो पॉलिनोमियल जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बीजीय व्यंजक का ही एक स्पेशल टाइप है। अब बोलोगे सर इसमें क्या स्पेशल होता है? ठीक है, जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुत बढ़िया। किसकी घात? चर की। चर की घात, बहुत बढ़िया। तो आपको सर जितने भी बीजीय व्यंजक में चर लिखा आपने, उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो ऐसे वाले को बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझो डेफिनेशन पहले देखिए। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है और कुछ नहीं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? जिसमें चर की सभी घातांक, घातांक कहने का मतलब पावर, पूर्ण संख्या हो। तो अगर मैं लिख रहा हूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या बताओ? जीरो से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8। एक क्यों नहीं बोला? जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर। मुझे बताइए अगर मैं कहता हूं -3, ये पूर्ण संख्या होगा क्या? नो सर। ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर पूर्ण नहीं होते, ये सारे ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहता हूँ 1/2, पूर्ण संख्या होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। मैं तो 3.2, पूर्ण संख्या होगा? नहीं नो सर। होगा। 2/5, पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अनंत तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से हमने ये जाना कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं x² + 9x, ये जो दिख रहा है यह बीजीय व्यंजक तो होगा ही। अब यह बहुपद भी है क्या? बहुपद यस है, सर। बिल्कुल यह बहुपद है। क्योंकि अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर चर की घात देखिए, तो यहाँ पर चर का घात मुझे 2 दिख रहा है। दूसरे वाले टर्म में देखेगा तो चर का घात 1 दिख रहा है। तो जो भी घात है, अगर मैं x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब x का घात 1 होना। ठीक है, तो आपको सर जो भी घात है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पूर्ण संख्या है, तो इस बिल्कुल क्या होगा? एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, पॉलीनोमियल कहलाएगा। x² + 9x एक बीजीय व्यंजक भी है, कंफ्यूज मत करना, यह एक बीजीय व्यंजक भी है और यह बहुपद भी है। ठीक है, हाँ, 2 होल नंबर होगा, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब यहां पर समझो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, इसको मिटा रहा हूं, एक सेकंड, फिर से प्रॉब्लम हुई कि हाँ ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं x² - 3 + 9y या फिर 9x से लिख दो, मुझे बताओ यह बीजीय व्यंजक है क्या? अलजेब्रिक यस सर। क्या? यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं पूछूं यह बहुपद है क्या? नो सर। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस भी आया जो कि एक होल नंबर नहीं है। नाइस, आपको अगर सर यहाँ पर चर के ऊपर घात -3 दिख रहा है और -3 एक पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो आपको अगर सर ये -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? यह एक बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा गया है। बहुपद को सामान्यतः p चर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कई बार अपने बुक में, और भी एग्जांपल से करेंगे, पहले नाम के बारे में देख लो किस तरीके से लिखते हैं। कई बार आपने बुक में देखा होगा सर px लिखा हुआ, py लिखा हुआ, qx लिखा हुआ, इस टाइप का कुछ देखा होगा। ठीक है, 9th में भी, 10th में भी आपको मिल रहा होगा। इससे कुछ भी घबराना नहीं है, कुछ भी ये है नहीं, बस नाम है। बहुपद के क्या है? p चर क्या है? बहुपद का नाम है। जैसे आप में से हर एक बच्चे का नाम, मैं किसी का भी माइक लू नाम लूंगा तो बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि सर मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ बहुपद लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2x + 3, मैंने लिखा यहाँ पर 9x - 3, यहां मैंने लिख दिया 2y² + 8y। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया 2y² + 8y। अब अगर मैं इनमें से किसी एक बहुपद के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि रेड वाला बहुपद, ब्लू वाला बहुपद, ब्लैक वाला बहुपद, ये थोड़ा ऑड हो जाएगा, मैथमेटिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका नाम देंगे। ठीक है, तो नाम देने के लिए क्या करते हैं सर? इस वाले बहुपद को पी नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हो, पी नाम दे दिया, इसका नाम पी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस बहुपद में चर क्या है? तो चर x है। ठीक है, तो x है, तो यहाँ लिख देंगे px। तो ये px इस बहुपद का नाम हो गया। जब भी मैं px बोलूं आप समझ जाओगे सर इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बहुपद का नाम दे दो,
नाइन एक्स माइनस थ्री को बोलोगे सर इसका नाम मैंने एफ दे दिया, इसका नाम क्या दिया एफ। अब इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मान लो इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर मैं एक्स स्क्वायर भी लिख रहा हूँ तो वेरिएबल एक्स है, चर एक्स है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम दे दो एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स हो गया, ठीक है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को एफ एक्स बोल दिए। जब भी मैं एफ एक्स बोलूंगा आप इस वाले बहुपद को देखोगे नहीं, आप बस इस वाले को देखोगे सर एफ एक्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ब्लैक वाला है तो इसका नाम दे दो मान लो टी, इसका नाम दे दिया टी। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, हाँ पी वाई बोल सकते हो, टी वाई बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो इसको मैंने बोल दिया टी वाई, समझ में आया। तो टी क्या है इसका नाम और वाई वेरिएबल, क्लियर। तो जो एफ एक्स जी एक्स टी एक्स टी वाई जो देखते हो समझ में आएगा वो क्या है, बस वेरिएबल के नाम। अब मान लो अगर दो वेरिएबल आ जाएगा फिर क्या करेंगे, मान लो अगर कभी ऐसा लिख दिया, हालांकि हमें जो पढ़ना है एक चर में पढ़ना है, एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, लेकिन अगर मान लो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि दो वेरिएबल में कोई बहुपद लेता हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई, एक सेकेंड, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई, यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल आ गए, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, ठीक है। तो आप इसका क्या नाम देते हो, आप सीधे बोलोगे सर इसका नाम एफ दे दो और यहाँ एक्स और वाई दोनों लिख दीजिए, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 9x माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस 13z, इसका नाम क्या देंगे, मान लो इसका नाम मैंने f दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखना होगा, x y z, x y z, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या क्या है, x भी है y भी है और z भी है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं। तो ये समझ में आया नाम लिखने का तरीका क्या होता है, तो नाम लिखने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग करो। अब मुझे बताओ यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल लिखे हुए दिखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल के आपको लगते हैं ये बहुपद है, ये सारे बहुपद है, यस सर, तो ये सारे के सारे टू की पावर माइनस थ्री वाई, कहाँ, नहीं अगर माइनस थ्री रहेगा बहुपद नहीं होगा, उसको एग्जांपल अभी लेंगे, अगर नेगेटिव पावर आएगा तो क्या करेंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। तो अगर मान लो यहाँ पर पी एक्स लिख रहा हूँ, पहला वाला बहुपद को देखिए, तो पहला वाला बहुपद में दिख रहा है सर यहाँ पर सेवन एक्स प्लस वन, एक्स का घात कितना है मुझे बताओ, एक्स का घात कितना है वन, और वन एक पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल एक बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद है या नहीं है अगर कोई आपसे पूछे तो आपको सर बिल्कुल ये एक बहुपद होगा, ठीक है, बिल्कुल बहुपद होगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखिए, पी वाई लिखा गया है, वाई चर इसका घात दो, ठीक है, बिल्कुल एक पूर्ण संख्या, टू वाई में घात एक, ठीक है, तो आपको सर बिल्कुल ये बहुपद होगा, यस, ठीक है, सभी जगह घात जो है पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीन जो दिख रहा है, एग्जाम्पल तीन जो दिख रहा है, क्यू टी लिख दिया, यहाँ पर चर क्या है मुझे बताओ, वेरिएबल क्या है टी, टी का घात कितना है वन, वन, तो टी का घात वन है तो वन पूर्ण संख्या है, कहेंगे बिल्कुल ये एक बहुपद होगा, ठीक है, तो यह भी एक बहुपद होगा। इस बहुपद में कितने पद हैं, इस बहुपद में सिर्फ एक पद है, ठीक है, पहले वाले बहुपद में कितने पद हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले बहुपद में कितने पद हैं, एक, तो एक, नहीं इस वाले एक, इसमें इसमें कितने पद हैं, पद हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एक पद सेवन एक्स हुआ और एक पद एक हुआ, तो यहाँ पर दो पद है, इसको द्विपदी कहे, ठीक है, द्विपदी, द्विपदी कहेंगे दो पद। उदाहरण दो को देखिए, उदाहरण दो में कितने पद है, त्रिपदी, पदों की संख्या बताइए, तीन पद है, तो आपको सर प्लस या माइनस से ही बहुपद सेपरेट होता है, तो आपको सर यहाँ पर तीन पद दिख रहा है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू वाई और वन। अच्छा वाई स्क्वायर टू वाई और वन बोलना सही होगा क्या, अगर मैं पद पूछू आपसे, ये समझना, अगर मैं पूछू यहाँ पर पद कितने, तो एक पद तो आपको दिख जाएगा सर वाई स्क्वायर, एक पद मैंने लिख दिया यहाँ पर टू वाई और एक पद मैंने लिख दिया वन, ये लिखना सही होगा क्या, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर पद में हमेशा दिखेगा किसी के आगे पद के आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन भी लगाओगे, तो माइनस का टू वाई होगा, ठीक है। अच्छा किसी का डाउट है क्या, कुछ यहाँ सॉल्व कहाँ हो रहा है, अभी सॉल्व नहीं हो रहा ना, सारे असमान पद है, ऐसे समान पद असमान पद के बारे में पढ़ेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो साफ दिख रहा है सर तीन पद है दो पद है। अगर मैं लास्ट वाले को देखूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पद दिख रहा है, थ्री टी दिख रहा है, ठीक है, तो एक ही पद दिख रहा है, तो कहेंगे सर एक पद ही है, ठीक है, तो एक ही पद है, तो यहाँ पर कितना पद है, एक पद है, ठीक है। चलो
अभी और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अभी जैसा आपने डाउट पूछा था ना यहाँ से क्लियर होगा। तो यहाँ पर दो साइड में आपको लिखे गए, लेफ्ट साइड में आपको बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाया गया, राइट साइड में आपको बहुपद लिख कर दिखाया गया, पॉलिनोमियल लिख कर दिखाई गई है। तो ये समझो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x का पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 5, इसको आप बीजीय व्यंजक तो कहोगे क्योंकि बीजीय व्यंजक में तो बस देखना है चर अचर कंबाइंड होने चाहिए, तो बीजीय व्यंजक तो है, क्या यह बहुपद होगा? क्या बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चर का घात क्या दिख रहा है, 2/3। तो एक्स का घात 2/3 होने के कारण कहेंगे सर यह बहुपद नहीं होगा, यह बीजीय व्यंजक तो है लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल बहुपद है क्या? नो सर, नो सर। क्यों? क्योंकि एक्स ही बार वर्ग है। नाइस, तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 याद करो, वर्गमूल एक्स आपको बताया, वर्गमूल एक्स लिखने का मतलब एक्स का घात 1/2 होना, तो वर्गमूल लिखने का मतलब एक्स का घात 1/2 होना, मतलब ये लिखा क्या गया है, ये जो भी चीज लिखेगी जो बीजीय व्यंजक है इसको लिख सकते हैं 4x का घात जो है सर ये 1/2 है प्लस 2x² है माइनस 5 है। तो यहाँ पर घात 1/2 आ गया, तो कहेंगे सर यह अभी बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम्पल को देख के मुझे बताइए, इसको बहुपद बोलेंगे क्या? नो सर। यस सर। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब भी मैंने बोला बोला चर की घात देखना है आपको, अचर को तो नहीं बोला ना, तो आपको चर का घात देखना है। तो अगर मैं पूछूं ऐसा लिख रहा हूँ, ये लिखा गया ऐसे 5 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ x प्लस 7x², तो यहाँ समझो x का घात कितना है मुझे बताओ इस वाले टर्म में, एक सेकंड, 1। तो पहले वाले टर्म में x का घात 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर x का घात बोलोगे सर 1, दूसरे वाले मुझे बताइए x का घात कितना है, 2। तो चर का घात तो पूर्ण संख्या दिख रहा है, चर का घात पूर्ण संख्या दिख रहा है, अचर का घात कितना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अचर का घात पूर्ण संख्या रहे, वर्गमूल के अंदर रहे, नेगेटिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर ये क्या है, बीजीय व्यंजक तो है ही और ये बहुपद भी है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, क्लियर? तो वर्गमूल देखकर आपको नहीं बताना है, सिंपली आपको देखना होगा चर को। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3x का पावर 2 - 9y, यह बहुपद होगा क्या? यस सर। यस सर, बिल्कुल, अब सही आंसर आ रहा है, बोलोगे सर बिल्कुल ये बहुपद होगा क्योंकि चर का घात कितना है, 2 और 1। ठीक है, तो कहेंगे सर बिल्कुल ये बहुपद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ और उदाहरण दिख रहे हैं, 3x² + 4x, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 2 दिख रहा है, घात 1 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल बहुपद होगा। और दूसरा वाला एग्जाम्पल में भी बताइए, वाई का घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो चर का घात 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल ये बहुपद होगा, पूर्ण संख्या है, तो जितने भी घात है पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो होंगे ही। ठीक है, इतना क्लियर कंसेप्ट बताइए, इतना क्लियर है? चलो, तो कुछ कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, क्या क्या चीज हमें शॉर्टकट से याद होने चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन, 4 कंडीशन है आपके पास, पहला कंडीशन क्या होता है सर, चर का घात नेगेटिव अगर होगा तो ऐसे वाले को बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं x का पावर -2 + 3x, तो यहाँ पर दिख रहा है सर x का घात -2, यानी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम कहेंगे सर ये वाला बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा, क्लियर? सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है आपको, दूसरा एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है दूसरा, कि चर का घात कभी भिन्न नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं x का पावर 2/3, मैं लिख रहा हूं x का पावर 2/3 - 9x² यह बहुपद होगा क्या? नहीं दिख रहा, x का घात 2/3 - 9x² यह बहुपद होगा क्या? नो सर। कई बार बता दिया कि सर 2/3 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया, तो जब भिन्न आएगा पावर तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, चर जो है
वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब वर्गमूल के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात एक बटा दो। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ रूट एक्स प्लस नाइन एक्स, तो इसको क्या कहेंगे सर, यह भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर चर आ गया, ठीक है, वर्गमूल के अंदर वेरिएबल आ गया, तो इसको कहेंगे बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको पता है रीजन अगर कोई आपसे पूछे तो ये बोलना सर यहाँ पर x का घात एक बटा दो हो जा रहा है, ठीक है, घात एक बटा दो हो रहा है, इसके कारण भिन्न आ गया एक तरीके से, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चौथा, चर हर में नहीं होना चाहिए, मतलब डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर समझो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, इसका रीजन समझ लो पहले, अगर मैं कभी लिखता हूं वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स लिखने का मतलब होता है x का घात माइनस वन, ठीक है, x का पावर माइनस वन, ये आपको पढ़ाया गया था। अगर मैं लिखता हूं x वन बाई एक्स का पावर तीन, इसका मतलब क्या होता है, x का घात कितना होगा, माइनस थ्री। तो आपको सर इसका मतलब होता है x का घात माइनस तीन। अगर किसी को नहीं पता इसको नोट कर लीजिए, तो वन बाई एक्स कहने का मतलब x का घात माइनस का तीन होना, ठीक है, वन बाई एक्स कहने का मतलब x का घात माइनस का वन होना। तो ये समझिएगा, अगर चर में वेरिएबल आ गया इसका मतलब नेगेटिव पावर, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूँ वन बाई एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर x का घात माइनस वन प्लस थ्री, ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पावर क्या है, पावर माइनस वन है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। क्लियर बताइए, तो बहुपद नहीं होगा। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर कुछ ऐसा वन बाई वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई क्यूब, यह बहुपद होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं होगा? वाई की पावर माइनस टू है ना, इसलिए वाई की पावर माइनस टू है, या फिर सिंपली बोलो सर वाई जो है वेरिएबल जो है हर में है, यानी डेनोमिनेटर में है, ठीक है, तो डेनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे में है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। सिंपली आपको ये सारे चारों कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला कंडीशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट कंडीशन पावर जो है किसके ऊपर, मैं जितनी बार देखो हर जगह चर के ऊपर देख रहा हूँ, चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंट पे कोई कंडीशन डाला क्या, अचर पे कोई कंडीशन डाला नहीं, अचर कुछ भी हो सकता है, अचर का घात नेगेटिव हो सकता है, भिन्न हो सकता है, वर्गमूल के अंदर हो सकता है, अचर डेनोमिनेटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चर पे कंडीशन है बस, वेरिएबल पे कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बस आपको यस या नो में आंसर करना है कि वो बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दू, पहला 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2/7, मुझे बताओ ये बहुपद है या नहीं है? और अभी आपका आंसर सभी का, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग चैट सेक्शन में अब आंसर देंगे, ठीक है, ताकि सभी का आंसर आ सके और मैं लिख देख सकूं। यस, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ये जो है, अगर मुझे देखना हो तो यहाँ पर चर बोलोगे तो चर m है, m का घात क्या है, 2 और 1, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है घात, तो कहेंगे सर बिल्कुल यह बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद होगा। अगला कंडीशन, अगला एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, अगर मैं लिखता हूं यहां पर 3y का पावर 2 - 7y का पावर 3, यह बहुपद होगा क्या? नहीं, यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर हर में आ गया, यानी वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब y का घात कितना है यहाँ पर, एक जगह तो y का घात 2 है, लेकिन यहाँ पर घात कितना है, -3, माइनस का 3 है, तो आपको सर यहाँ पर घात माइनस का 3 आ जा रहा है, ठीक है, तो घात माइनस 3 आ जा रहा है, इसका मतलब कहेंगे सर ये जो आ रहा है पूर्ण संख्या नहीं है घात हमारा, घात माइनस का 3 है, तो कहेंगे सर ये बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपली इतना भी नहीं देखोगे तो सिंपली कह दोगे सर वाई डेनोमिनेटर में आ गया, नीचे में आ गया, बहुपद नहीं होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है 2x / 9x² + 8x³ + 5, मुझे बताइए यह बहुपद है या नहीं? बहुपद नहीं है, क्योंकि चर हर में आ गया, वेरिएबल जो है डेनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब नेगेटिव पावर, ठीक है, तो ये कहेंगे बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूँ √2 y का पावर 2 + 3y
यह बहुपद है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का जो घात है, बोलोगे सर यहाँ पर दो है और यहाँ पर घात एक है, तो बिल्कुल यह बहुपद होगा। रूट टू से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता है। अगर मैं लिख दो यहाँ पर पांच, ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग है, साथ साथ लिखते चलिएगा, हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। टू का पावर माइनस तीन, एक्स का पावर दो प्लस एट एक्स, ये बताइए ये बहुपद है? नो सर। सोच के बताइए। नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें माइनस, लेकिन वो जो माइनस का तीन है वो तो अचर के ऊपर है ना, वो अचर का पावर है, अचर को तो देखना ही नहीं है। मैं हर बार कह रहा हूँ, जो भी कंडीशन है वो चर के ऊपर है, अचर फ्री है, अचर के पावर पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, टू का पावर माइनस थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का घात कितना है दो, एक्स का घात एक, बिल्कुल यह बहुपद होगा, ठीक है। तो अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता, ठीक है, अचर पे कोई कंडीशन नहीं होता। क्लियर इतना? चलिए अभी मैं लिख रहा हूं आगे एक और एग्जांपल। जैसे मैं लिख दिया, अच्छा सिर्फ इतना लिख दो तो रूट एक्स यह बहुपद होगा? रूट एक्स बहुपद नहीं होगा, सिंपली दिख रहा है चर वर्गमूल के अंदर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का घात एक बटा दो, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिख दो यहां पर सेवन रूट ओवर एक्स माइनस थ्री वाई, यह बहुपद होगा? वेरिएबल वर्गमूल के अंदर आ गया, वर्गमूल के अंदर वेरिएबल है, कहेंगे बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो सारे चीज आपको समझ में आ गए, कब वेरिएबल, कब बहुपद होगा, कब नहीं होगा, क्या क्या हमें देखना है। अचर को देखेंगे क्या? कॉन्स्टेंट को देखेंगे? कॉन्स्टेंट को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? चर को देखेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पहले पूछ रहा हूँ, उसके बाद टेबल करेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं टू का पावर तीन बटा पांच, एक्स का पावर टू माइनस नाइन एक्स, यह मुझे बताइए बहुपद है कि नहीं है? नो सर। सर बहुपद है ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, चर देखना है, चर का घात दो, चर का घात एक, चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या ही तो है, अचर को तो देखना ही नहीं है, ये तीन बटा पांच से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कहेंगे यह एक बहुपद होगा, ठीक है, यस, ठीक है। चलो पोल में क्वेश्चन करने के पहले इस टेबल को आप भरिए यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं आपको भर के बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें तो मैं ही भर दे रहा हूँ। पहले में पूछा गया बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी के बारे पहले मुझे ये पहला वाला कॉलम मुझे भर के बताओ, क्या यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं उदाहरण एक दो, चलो मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ तभी आपको दिख पाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं सारे के सारे बीजीय व्यंजक है क्या? सारे के सारे बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक में तो कोई कंडीशन ही नहीं होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर सभी में दिख रहा है वेरिएबल कॉन्स्टेंट और संक्रिया, तो सारे के सारे बीजीय व्यंजक अगर पूछे जाएगा तो आपको सर ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो होंगे, बीजीय व्यंजक सारे हैं। अब सारे के सारे बहुपद भी होंगे क्या, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मतलब पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, लिखा गया है, बड़ा दिख रहा है कि आपको, मैं जूम कर दूं, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां लिखा गया डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस एट, तो चर क्या है हमारा, डी वेरिएबल डी है, तो डी का घात यहाँ पर दो है, यहाँ घात एक है और यहाँ पर बस अचर है, कांस्टेंट है, तो दो और एक पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल बहुपद होगा, ठीक है, ये बहुपद होगा। अब आगे का एग्जांपल आप लोग मुझे बताते चलिए, एग्जांपल नंबर टू एच बाई सेवन प्लस टू, चैट में यस और नो, बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर चर एच है और एच का घात एक है, ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद होगा क्योंकि पूर्ण संख्या है घात, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर तीन थ्री रूट एन, चर क्या है, चर एन है, एन वर्गमूल के अंदर आ गया, तो वर्गमूल के अंदर आ जाने का मतलब घात एक बटा दो हो जाना, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल नंबर फोर रूट सिक्स के माइनस फाइव के प्लस नाइन एच माइनस टू, ये बहुपद होगा या नहीं होगा? यस सर है, बिल्कुल। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या सर? वो स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन अभी बिल्कुल सही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर रूट सिक्स के माइनस फाइव के प्लस नाइन एच माइनस टू है, तो वेरिएबल क्या है कि के का घात देखे तो पहले यहाँ पर एक है, यहाँ पर घात एक है, एच का, अच्छा एच भी घात वेरिएबल है तो एच का घात एक है, तो जितने वेरिएबल है सभी का घात एक है, मतलब पूर्ण संख्या ये तो है, तो कहेंगे बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। ठीक है, और लास्ट वाला एग्जाम्पल देख के मुझे बताइए, लास्ट एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि साफ आपको दिख रहा है सर यहाँ पर, रीजन बताओगे मुझे? वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, हर में है, सी वेरिएबल था वो नीचे में है। ठीक है, तो कहेंगे ये नो। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर रूट सिक्स आ रहा है, तो रूट सिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, रूट सिर्फ सिक्स के ऊपर है, के तो हमारा प्रिय है ना, के का घात एक है। ठीक है, तो रूट सिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल के अंदर अचर आ सकता है, वही मैं बता रहा था। ठीक है, वर्गमूल के अंदर अचर तो आ सकता है, चर नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन दिखेगा आपको, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल में देना है, थोड़ा वेट कर लो, शायद अभी पोल नहीं दिख रहा है आपको, मैं बस ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी पोल दिख जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर वन, रूट वाई लिखा गया है, वर्गमूल वाई पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन, रूट वाई बहुपद है या नहीं, यस और नो, दो ही ऑप्शन। बस दो ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, ए या बी। सर नेक्स्ट क्लास में पोल सेक्शन दिखाइयो। वो अच्छा बिल्कुल दिखाया जाएगा, पोल मतलब पोल रिजल्ट है ना। यस सर, बिल्कुल, लास्ट दो क्लास से पोल रिजल्ट इस दिन दिखाया जा रही है, क्योंकि लास्ट क्लास आपका रिवीजन क्लास हो रहा था दो क्लास से। ठीक है, उसमें कोई भी पोल हुआ नहीं था हमारा। ठीक है, छह बच्चे और हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली 10 सेकंड, लास्ट 5, जाइए 5 4 3 2 1। अच्छा इसमें नहीं, 5 सेकंड और रुक रहा हूँ लास्ट, चलो अभी जाकर आंसर कर दो आप, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। हो गया काजल, हो गया, चल तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और आपका चैट ओपन रहेगा। देखो यहां पर आप सिंपली बोलोगे सर रूट वाई लिखा गया था, वर्गमूल वाई लिखा गया था, तो वर्गमूल वाई लिखने का मतलब चर वाई क्या है, चर है, तो इसका मतलब वर्गमूल चर लिख दिया ना, वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाएगा तो उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे क्या? सिंपली एक कंडीशन बताया था, वर्गमूल के अंदर अगर चर रहेगा उसको हम सीधे बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या लिखा गया है, वर्गमूल वाई लिखने का मतलब वाई का घात 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको सर ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक दो बच्चों का जो गलत था समझ में आया, क्यों गलती हो गई, सीधे कंडीशन याद रखना, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए था, मैंने सीधे बता रखा है आपको, वर्गमूल के अंदर चर आएगा बहुपद नहीं होगा। आप याद करो एग्जाम्पल पढ़ाते समय मैंने पूछा था रूट एक्स के बारे में, बोला था बहुपद नहीं होगा, तो ध्यान से सुनना है सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बोर्ड का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बहुपद पहचानने के ऊपर क्वेश्चन 2 है, बस इसमें आपको ये पहचानना है कि इन चारों में कौन सा बहुपद है। दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, चलो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, कौन सा बहुपद है, बहुपद को पहचानेंगे, भाई एक ऑप्शन है जो बहुपद है, ए बी सी या डी। अगर आपको लगता है कि चारों ही बहुपद है तो डी करेंगे, अगर लगता है ए है तो ए करेंगे, बी है तो बी करेंगे, सी है तो सी करेंगे, और डी है तो डी करेंगे। देखिए पॉलिनोमियल कौन सा है, सर वन सुर वाला नहीं दिख रहा हूं। क्या नहीं दिख रहा सर, पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आया, बिल्कुल आया है पोल, पोल में काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, नहीं आया सर, थोड़ा
थोड़ा वेट कर लो या फिर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि आपके फोन में तो पोल आता है ना, इन जनरल आंसर करते हो आप तो करते हो, है आ ना? गया सर, आ गया ना? मतलब अगर प्रॉब्लम कई बार होता है नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिख रहा हो, तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे सही हो जाएगा, ठीक है? टेक्निकल इशू होते रहती है क्लासेस में, ठीक है? तो यहां पर पहचानना है क्या है, ए बी सी डी में बहुपद कौन सा है, और इसको ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, एक नंबर में तो आता ही आता है हर साल बहुपद को पहचानने के ऊपर। क्लास नाइन्थ में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे, क्लास टेंथ में भी आएगा, ठीक है? चलिए तो रुकेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? गलत होगा सर। गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। चलो चैट में लिख देना अपना सही आंसर, 20 सेकंड रुकेंगे अभी, 20 सेकंड और। अभी भी लेकिन कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड। सारे बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे ये बताओ, सभी बच्चे आंसर क्यों नहीं करते हैं? लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अगर कि कौन सा हमारा इसमें से बहुपद होगा, तो एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, ऑप्शन ए तो साफ दिख रहा है ना, रूट एक्स एक टर्म दिख रहा है यहाँ पर, वर्गमूल एक्स, वर्गमूल एक्स वाला कोई एक्सप्रेशन बहुपद हो सकता है क्या? मैंने साफ बताया वर्गमूल के अंदर कभी भी सर अगर चर आ जाएगा वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो वर्गमूल के अंदर एक्स आ गया मतलब यहाँ पर घात 1/2 आ गया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी बहुपद नहीं होगा, मुझे बता दो कारण आप लोग। क्योंकि सर ये बटे में है, बटे में नहीं, ये नहीं कह सकते बटे में है। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर जो है वो वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में है, हर में है, नीचे में है, ठीक है? तो हर में या डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो ऐसे वाले को कहते हैं नेगेटिव पावर होगा सर यहाँ पर, ऋणात्मक घात, और कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसलिए कहेंगे सर यहाँ पर ऋणात्मक घात का कंसेप्ट आ जाता है, नेगेटिव पावर होगा इसलिए बहुपद नहीं होगा, इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए कहेंगे सर यहाँ पर ये वाला बहुपद नहीं कहलाएगा, ऑप्शन बी भी जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी को आप अगर देखो तो यहाँ क्या लिख रखा है, यह साफ लिखा है x का पावर 3 - 5x, x का घात क्या क्या दिख रहा है आपको, x का घात क्या क्या दिख रहा है? 3 और 1, एक तो 3 और एक आपको दिख रहा है यहाँ पर 1, कुछ नहीं लिखने का मतलब घात एक, 3 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे यह जो है बिल्कुल एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चर है x, x का घात क्या है, पूर्ण संख्या, या बिल्कुल एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी एक बहुपद है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है? ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता है कि सारे ही बहुपद है, हमने देख लिया ऑप्शन ए बहुपद नहीं था तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ए और बी ऑप्शन जो था बहुपद नहीं था। तो क्लियर हुआ ये कि ऑप्शन सी हमारा आंसर कैसे होगा, यस और नो? जिनका गलत हो गया उनको समझ में आया, तो जिनका आंसर ए और बी था ना या डी भी था, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल के अंदर वेरिएबल होने के कारण ये आंसर नहीं हुआ, और यहाँ पर हर में चर आने के कारण ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए।